तो आज की इस वीडियो में हम इस लोगो को रिक्रिएट करेंगे, यानी ये जो लोगो है तो हमारे पास जेपीजी इमेज है और ये काफ़ी पिक्सलेट है। जब आप इसे जूम करेंगे देखेंगे बिल्कुल बेकार दिख रहा है, तो इसी को हमको दोबारा से बनाना है। तो दोबारा बनाना काफ़ी ईजी होता है, लेकिन ये जो सेफ है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसको बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसमें बीजियर टूल या फिर फ्री हैंड टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बीजियर टूल को ले लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ क्लिक कर देंगे। सेफ टूल पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टू करो, और इसको पकड़ के यहाँ से हम कर्व कर लेंगे। उसी तरीके से इस पर भी राइट क्लिक करके टू करो, और इसको हम इस साइड कर लेंगे, और फिर इस पर भी राइट क्लिक करके टू करो, और इसको हम यहाँ कर लेंगे। जिस तरीके से ये हमारा घुमा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से घुमा लेंगे। इसको परफेक्ट बनाएंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसको हटा देते हैं, और इस पर क्लिक करके इसको इतना इधर खींचेंगे, और इसको भी हम यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी नहीं हो रहा था तो यहाँ पे हमने एक नोड और बना दिया। उसके बाद आप देखिए ये बिल्कुल जिस तरीके का हमारा शेप था उसी तरीके का यहाँ पे बन चुका है। अब ये तो सिर्फ एक लाइन है, और इसमें आप देखेंगे तो ये कहीं पे चौड़ा कहीं पे पतला इस तरीके से। तो अब इसको भी हम कर लेते हैं। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको हम यहाँ से मोटा कर लेते हैं, 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, 4 करते हैं, और इसको यहाँ से हम सफ़ेद पहले क्लिक कर देते हैं। सफ़ेद नहीं दिख रहा है, रेड करते हैं ताकि दिखे, और कंट्रोल शिफ्ट क्यू से हमारा ये जो लाइन है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेव टूल पे आएंगे, और अब इसको पकड़ के हम यहाँ इसी तरीके से इसको यहाँ और इसको यहाँ, अब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है हमको, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने बना लिया बिल्कुल। अभी ये भी परफेक्ट नहीं है, जितना इस पर हम वर्क करेंगे उसके हिसाब से ये परफेक्ट होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हद तक ये हमारा परफेक्ट बन चुका है। एक तरीका तो ये था, और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट बीजियर टूल से इसका आउटलाइन इधर से बाहर वाला हिस्सा लेके आएंगे, फिर अंदर वाला, और इसको भी बना सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसी का एक कॉपी कर लेंगे। अपने कीबोर्ड से प्लस दबाएंगे न्यूमेरिक कीबोर्ड से तो इसका कॉपी हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सेट कर देंगे। इसको वर्टिकली भी हम घुमा देंगे, और यहाँ पे जिस तरीके से ये था उस तरीके से हम सेट कर देंगे। तो आप देखिए एक हमने बनाया और ये इधर भी बन गया। अब ये वाला बचा है तो इसको यहाँ पे कर लेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं कि बीजियर टूल से इसको बाहर हम किस तरीके से ड्रा करेंगे। पहला तो हमने आउटलाइन से काम कर लिया, लेकिन अब इसको बाहर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, और फिर से हम एक और यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे सेव टूल पे आएंगे, राइट क्लिक, टू करो, और इसको घुमा के कुछ यहाँ इसी तरीके से, इस पर राइट क्लिक, टू करो, और इसको घुमा के कुछ इस तरीके से यहाँ हो गया। और इसमें भी लाल कलर फिल करेंगे और इसका आउटलाइन यहाँ से हटा देंगे। पहले हमने सिर्फ आउटलाइन बनाया था, और आउटलाइन को शिफ्ट कंट्रोल क्यू करके कर्व करके उसको घुमा लिया, और यहाँ पे हमने आउटलाइन को हटा दिया, फिल करके ही बनाया है। अब इसको भी यहाँ पे कॉपी करके लाएंगे, या फिर अभी इसको डिलीट करते हैं, इसको रहने देते हैं, इस वाले को हम डिलीट करते हैं। अब इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से हम वेल्ड कर देंगे ताकि दोनों एक साथ रहें। प्लस से इसका एक कॉपी बना लेंगे, और फिर इसके बाद मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली, और उसके बाद यहाँ पर ला के सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसके बाद इसमें नीचे लिखना है, तो टाइप करना बिल्कुल इजी है, हम टाइप कर लेते हैं INFINITE, टाइम न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ करते हैं। मिलता जुलता कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, अगर पता हो सेम फॉन्ट का नाम तो आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ला दिए, और थोड़ा सा खींच के इसको हम बड़ा करेंगे कुछ इतना, और इसको यहाँ पे परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए हमने परफेक्ट तो कर लिया आई को, लेकिन अभी यहाँ पे ई बहुत दूर है, तो हम सेव टूल पे आएंगे और इसको यहाँ से खींच के इतना करेंगे, ये सही है।
ये सही है हमारा, तो लोगो भी बन गया और हमने टेक्स्ट भी लिख लिया। अब इसके जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको भी हम लिख लेते हैं, और इसके बगल में दो लाइन ड्रा किया हुआ है तो हम टू पॉइंट लाइन लेंगे और हम भी यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देंगे, क्योंकि आउटलाइन रहेगा तो बाद में ये दिक्कत करेगा, तो इसलिए हमको आउटलाइन नहीं रखना है। बस ये बन गया हमारा लोगो। अब नीचे वाले को आप बाहर कर दीजिए कहीं दूर, और देखिए आपका लोगो यहाँ पे तैयार है। इसको कर देते हैं हम डिलीट, और ये तो हमारा जो था परफेक्ट ही है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। और इसको और कलर जैसा इसमें था वैसा ही कलर अगर हम रखना चाहें तो पहले एक कापी इसका दूर रख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इसके बराबर एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स को हम लाएंगे यहाँ पर और इसमें कलर फिल कर देंगे ब्लैक, और इसको कर देंगे पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन। ये चला गया डाउन में नीचे। अब इन सब को सिलेक्ट करके नीचे वाले को जो टेक्स्ट है वाइट कर देंगे ताकि ये दिखे, और इसका कलर बिल्कुल सेम रखेंगे। तो सेम रखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे आई ड्रॉपर टूल पे और यहाँ से इसका कलर चुरा लेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यही कलर हम इसमें डाल देते हैं, और वेल्थ क्रिएशन में भी सेम कलर है तो उसमें भी हम यही कलर डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है और ये पिक्सलेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लोगो को आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ट्रेस करने के। एक तो बिल्कुल ईजी तरीका ये होता है कि आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से ट्रेस बिटमैप कर दीजिए तो भी हो जाता है, लेकिन अगर फाइल बहुत ज़्यादा लो वर्जन की होगी तो यहाँ से ट्रेस बिटमैप वो काम नहीं करता है। ये जो हमने तरीका अभी आपको बताया इस तरीके से आप करेंगे तो परफेक्ट बना सकते हैं।